गुड। सो बच्चों, दिस इज माई 45th लेक्चर ऑफ दिस 45 डेज क्रैश कोर्स, एंड दिस इज द 4th लेक्चर ऑफ माई मॉडर्न फिजिक्स। मैंने जैसे कहा था कि मॉडर्न फिजिक्स ए वेरी स्कोरिंग पोर्शन, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था, और एक क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में आना ही आना होता है। तो क्या बताया था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि आपको क्या कहा था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की लाइट, जिसे कि हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉल करते हैं, किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, कि जितनी एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल में बाउंड है, जिसे कि हमने क्या कॉल किया, वर्क फंक्शन कॉल किया है, और जो इंसिडेंट रेडिएशन हम फॉल करवा रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी लेसर और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, इन दैट केस वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है दे विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट मेटल, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन वहां से, जब आपके पास सफिशियंट एनर्जी के हम इलेक्ट्रो एनर्जी की एक लाइट उस सरफेस के ऊपर फॉल करवा दें, और वो इलेक्ट्रॉन जो वहां से बाहर निकल आते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को उन क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कॉल करते हैं, और उनके कारण जो करंट फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस फिनोमेना को हमने क्या कॉल किया, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई टोल्ड यू देयर कैन बी डिफरेंट वेज बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड और टेकन आउट फ्रॉम द मेटल। जैसे ये अभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बताया, ऐसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके भी क्या है, हम उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। एक हम हीट एनर्जी सप्लाई करके भी क्या है, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आई टोल्ड यू सम थिंग्स, कि आपके पास सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक एक्सपेरिमेंट बताया, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय लिनॉर्ड। लिनॉर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट ले ली, जिसे कैथोड कॉल किया, इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसके सामने एक और प्लेट रख दी, एंड विच इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस कैथोड, जो कि कैथोड क्या है, दैट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज कनेक्टिव, इट इज कनेक्टिव विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और उस एनोड को क्या किया हमने, पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया। जब इस कैथोड के ऊपर, विच इज अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, एक हमने यूवी रेडिएशंस लाइट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर फॉल करवाई, तो हमारे पास इस सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, दैट इज गिविंग सम प्रोड्यूसिंग सम डिफ्लेक्शन इन इट्स नीडल, और वो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स दैट वो लाइट फॉल करने से क्या हुआ, इस सर्किट में करंट फ्लो किया, तो वो क्या था हमारे पास, दैट इज ए फोटोइलेक्ट्रिक करंट। वो क्यों प्रोड्यूस हुआ, कि हमारे पास, इट मीन दैट वो जो लाइट इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर फॉल की, उसकी जो एनर्जी थी दैट इज द ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द दिस मेटल इज ऑफ सीजियम। सीजियम के वर्क फंक्शन से क्या है, सीजियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा थी, और जो लाइट हमने फॉल करवाई उनकी जो एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस प्लेट से बाहर आ गए, कैथोड से बाहर आ गए, और इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने एक्सेप्ट कर लिया, एनोड ने एक्सेप्ट कर लिया, और इट इज फाउंड दैट, इस एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि जैसे जैसे आप एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई कि जहां पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया,
कॉन्स्टेंट हो गया। रीजन बीइंग कि आपके पास जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे बाहर आ गए, उसके बाद आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन थे वो उसने किसने एक्सेप्ट कर लिया, एनोड ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अगर आप उसका पोटेंशियल इंक्रीज भी करते हो, नो देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड नो फोटो करंट विल इंक्रीज। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट जब हमने इसका जो एनोड का पोटेंशियल है वो नेगेटिव कर दिया, जैसे ही हमने उसका एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव किया, उस नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करते गए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता गया, डिक्रीज होता गया, और एक ऐसी स्टेज आ गई जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उससे ये मतलब हुआ कि दैट उस नेगेटिव पोटेंशियल के कारण जितने भी वो एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे कैथोड से, वो दोज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप बाय दिस नेगेटिव पोटेंशियल। इट मीन दैट उस नेगेटिव पोटेंशियल की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स थी। क्लियर? तो यहां से उस नेगेटिव पोटेंशियल को हमने क्या कॉल किया, दैट इज कॉल्ड ए स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इट मीन दैट कि ईवीएस क्या आ गया था आपके पास, हाफ एम वी एस के बराबर आ गया था। आफ्टर दिस वी हैव एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक लॉस विच आर एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन। क्या कहा आइंस्टीन में कि पहला लॉ तो वही कि जब एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की लाइट मेटालिक सरफेस के ऊपर फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जैसे जैसे इंटेंसिटी आपके पास लाइट की इंक्रीज करती जाती है, वैसे वैसे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता रहता है। लेकिन और इट इज फाउंड दैट कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी इंक्रीज करते रहते हो, लाइट की एनर्जी इंक्रीज करते रहते हैं, वैसे वैसे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज करता रहता है। तो इसके लिए हमने ग्राफ भी प्लॉट किए। तो मीन जहां से आइंस्टीन ने यह भी कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ द लाइट, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वेयर एज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो यहां पे हमने ग्राफ भी प्लॉट किया, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आई, बट दैट इज स्टार्टिंग सम पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, किसी डिस्टेंस से शुरू हो रही थी, वो डिस्टेंस के ऊपर जहां तक आपके पास देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो डिस्टेंस इज कॉल्ड जहां पे देर इज नो स्टॉपिंग पोटेंशियल, देर इज नो नीड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो फ्रीक्वेंसी क्या थी, दैट इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये भी कहा था कि इस ग्राफ की जो स्लोप है दैट गिव दी रेशियो द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी गई। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हमने क्या कहा कि अगर किसी भी एक्स एनर्जी की लाइट किसी फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, दे आर बाउंड विद द मेटल विद एनर्जी वाई, और वेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई है तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद एनर्जी ऑफ एक्स माइनस वाई विच इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां से क्या कह दिया हमने, x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, वेर एक्स, यहां से क्या गया x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। एक्स क्या थी, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वाई इज द एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद द मेटल, एंड जेड इज द एनर्जी विद विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट मेटल। x को क्या लिख लिया था हमने, h न्यू, y को क्या लिख लिया था, w, और z को क्या लिख लिया था, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर h न्यू इज, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और h न्यू को हमने sc बाय लैम्डा भी लिख लिया था, w को क्या लिख लिया था, h न्यू नॉट, और क्या लिख लिया था, sc बाय लैम्डा नॉट, न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट आर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रिस्पेक्टिवली, और हाफ एम वी मैक्स को क्या लिख लिया था, ईवीएस भी लिख लिया था, दैट इज वी एस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो इस तरह से आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ईवीएस और एस सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ईवीएस। जितनी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, कल मैंने 3-4 प्रॉब्लम आपको करवाई भी थी, ऑल आर बेस्ड अपॉन सिंपल इसी इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। एस सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर और ईवीएस, और एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर और ईवीएस। न्यू और लैम्डा इज द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, लैम्डा नॉट न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट आर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी और वी एस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारे पास टर्म्स हैं यहाँ पे, इसी एक फॉर्मूले के साथ क्या वी कैन सॉल्व ऑल दी न्यूमेरिकल। के बाद मैंने आपको कहा था कि फोटो सेल इट इज बेस्ड अपॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी नंबर ऑफ एप्लीकेशन मैंने बताई थी, इट इज यूज इन टेलीविजन कैमरा, ऑटोमिक ऑटोमेटिक डिटेक्टर, ऑटोमेटिक डोर, ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट एंड ट्रैफिक लाइट में ये फोटो सेल यूज होता है। आफ्टर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, कहता है एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, ऑल दीज फिनोमेना एक्सप्लेनिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या क्या, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, ये सभी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लेनिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेयर एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन, ये सभी क्या एक्सप्लेन करती हैं, दे आर एक्सप्लेनिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या है आपके पास, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस एक्सप्लेनिंग दी वेव नेचर ऑफ लाइट, वेयर एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन इज एक्सप्लेनिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एंड आफ्टर दैट डी ब्रॉगली स्टेट्स दैट द लाइट इज बिहेविंग एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली ही सेड सिमिलरली पार्टिकल इज ऑल्सो बिहेविंग एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ लाइट। एंड अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद मास, मास एम मूविंग विद स्पीड वी, इट इज पोजेसिंग द, इट इज हैविंग ए वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, wavelength of that wave which is possessed by that particle which is having the mass m moving with speed v, h is the Planck's constant, and it is found that macroscopic jo particles hain they are having a wavelength of the order of 10 raised power minus 24 angstrom. Macroscopic particle is possessing the wave of wavelength 10 raised power minus 24 angstrom, whereas the smallest wavelength aapke paas kisi bhi wave jo gamma rays hain uski jo smallest wavelength hai it is of the order of 10 raised power minus 10 minus 5 angstrom hai. This is the reason the wave nature of macroscopic particle is not observable, but the wave nature of the particle like atoms, molecules, electron, proton, neutron, alpha particle is of the order of 1 angstrom. आपके पास alpha particle हुए, beta particle हुए, proton हुए, atoms हुए, molecules हुए, उनकी जो wavelength आती है that is of the order of 10 raised power minus
10 मीटर आती है, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। सो जो कि क्या है, जिसको कि क्या हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो वेव नेचर ऑफ द लाइट, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल इज ऑब्जर्वेबल इन केस ऑफ द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स, बट वेवलेंथ ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज नॉट ऑब्जर्वेबल बिकॉज इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-24 एंगस्ट्रॉम। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, सच पार्टिकल पोजेसिंग द वेवलेंथ हाउ मच लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। नाउ इफ दीज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड विद काइनेटिक एनर्जी के, देन दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी रिटन एज, देन देयर मोमेंटम कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2 km। In that case, their de Broglie wavelength is under root of 2 km. Clear? If these particles, if these are the charged particles having the charge Q, accelerated with a potential difference V volt, in that case, their kinetic energy is kya aayegi? K is equal to Q into V. In that case, they will possess de Broglie wavelength is lambda is equal to H upon अंडर रूट ऑफ 2 qVmi। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक क्वेश्चन फिजिक्स और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर आना ही आना है, और ये तीन फॉर्मूले हैं, नीट एग्जामिनेशन में भी आना है और बोर्ड एग्जामिनेशन में है। दीज आर द ओनली 3 फॉर्मूलाज ऑन विच द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके अवर है, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 km, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 qVm। एक अभी फॉर्मूला बता रहा हूं मैं उसके उस फॉर्मूले के ऊपर, 2019 के भी नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया और 2020 में भी उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, कि अगर सपोज कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक इलेक्ट्रॉन को हमने V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट करा दिया, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होगी, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ V angstrom, if an electron is accelerated with a potential difference of V volt, then de Broglie wavelength of that electron is 12.27 under upon under root of V angstrom. दोनों बार जो क्वेश्चन था सिंपल था कि इलेक्ट्रॉन को क्या है, थोड़ा सा डाटा में ऊपर नीचे था कि an electron is accelerated with a potential difference of 100 volt, an electron is accelerated with a potential difference of 100 volt, then its de Broglie wavelength is, उस केस में जो इसकी de Broglie wavelength होगी वो क्या होगी, v की वैल्यू क्या रख दीजिए 100, तो de Broglie wavelength क्या होगी 1.227 angstrom होगी, if an electron is accelerated with a potential difference of 100 volt। clear? de Broglie wavelength associated with, this is the de Broglie wavelength in case of it is a charged particle. De Broglie wavelength associated with the uncharged particle, उस केस में हम उनकी kinetic energy, uncharged particle की kinetic energy क्या ले लेंगे, 3/2 kT, where K is the Boltzmann constant, capital T is the absolute temperature. उस केस में De Broglie wavelength of uncharged particle क्या बन जाएगी, under root of 3 kTm. This is the de Broglie wavelength of uncharged particle. This is the de Broglie wavelength of charged particle. यहां पे V क्या है? Potential difference with which this charged particle Q is accelerated. Here K क्या है? आपके पास K is the Boltzmann constant when this uncharged particle is having kept at temperature T
एम एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, एम क्या है मास ऑफ दोज चार्ज पार्टिकल है. क्लियर. पार्टिकल इज बिहेविंग एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव. इट इज प्रूफ बाय एक्सपेरिमेंटली बाय डेविसन. तो 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इन विच इट इज प्रूफ दैट ए पार्टिकल इज बिहेविंग एज वेव नेचर आल्सो. तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, क्या लिया गया, एक इलेक्ट्रॉन गन ले ली, वहां से हमने एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करवाया और उसको एक निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाया. और जब उसको निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाने के बाद वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करगी, डायफ्रैक्ट करगी, और उस डायफ्रैक्टेड बीम को क्या है हमने इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के साथ ऑब्जर्व किया. दैट डिफ्रैक्टेड बीम इज ऑब्जर्व फ्रॉम ए इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गन है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन गन. इस इलेक्ट्रॉन गन से हमने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी किसके ऊपर फॉल करवाई, दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इज फॉल ऑन ए दिस क्रिस्टल निकल क्रिस्टल के ऊपर इसको हमने फॉल करवाया, निकल के क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाया. और इट इज ऑब्जर्व बाय ऑन दिस स्केल सर्कुलर स्केल बाय एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. इट इज फाउंड दैट कि जब हमने इसको ऑब्जर्व किया हमारे पास व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट 54 वोल्ट 54 वोल्ट के साथ इसको एक्सेलरेट किया तो आपके पास जो वेवलेंथ थी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई आपके पास दैट इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम आई, 1.65 एंगस्ट्रॉम. इसे हमें कैसे कैलकुलेट किया, वही फॉर्मूला यूज करके बाय यूजिंग द फॉर्मूला 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम. जब वी की वैल्यू यहां पे 54 वोल्ट सब्स्टिट्यूट की तो इट इज फाउंड दैट कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ 54, तो कितनी आ गई 1.65 एंगस्ट्रॉम आ गई. और जब इस इलेक्ट्रॉन रेट ये जो आपके पास डायफ्रैक्टेड बीम आई, इस डायफ्रैक्टेड बीम को हमने इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के साथ जब डिटेक्ट किया और बाय यूजिंग ब्रैग्स लॉ कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा फॉर द मैक्सिमा फॉर द मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर का हमने मिनिमा ऑब्जर्व किया वहां से इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की. 2d क्रिस्टल के लिए दिस इज द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स, दिस इज गिवन फॉर द निकल क्रिस्टल, और कितने एंगल्स के ऊपर हमने इसको ऑब्जर्व किया, इट इज डिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा, यहां पे क्या था 50 डिग्री एंगल के ऊपर से डिफ्रैक्ट करके हमने ऑब्जर्व किया. इट इज फाउंड दैट कि आपके पास जो वेवलेंथ आई दैट इज ऑफ 1.66 एंगस्ट्रॉम. तो ये आपके पास जो वेव नेचर से वेवलेंथ आई
पार्टिकल नेचर से वेवलेंथ आई, दोनों वेवलेंथ क्या है सेम आ रही है 1.65 एंगस्ट्रॉम एंड 1.66 एंगस्ट्रॉम नियरली सेम आ रही है, तो ये रिजल्ट ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज बिहेविंग एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। क्लियर? तो बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं इसके ऊपर। सिंपल सा एक न्यूमेरिकल देखिए, कहते हैं फाइंड दी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय पीएम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट इज चेंजेस बाय 0.50%। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, एक बार फिर सुन लीजिए कि फाइंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय पी पीएम एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो हमने इनिशियल मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ हम किसके फाइंड आउट करेंगे, पीएम की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है एच अपॉन पी, तो यहां से क्या लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा पी बाय पी। अब क्या दिया हुआ है डेल्टा पी क्या दिया हुआ है चेंजेस बाय अमाउंट पीएम, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा क्या दिया हुआ है 0.50% मीन्स 0.50/100 ये दिया हुआ है। तो यहां से हमारे पास ये डेल्टा बाय डेल्टा लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्लियर? पी की वैल्यू डेल्टा पीएम की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पीएम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास पी कैलकुलेट हो जाएगा, ये पी क्या आ जाएगा 200 PM आ जाएगा, पी क्या आ जाएगा यहां से 200 PM। क्लियर? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव गॉट सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव गॉट द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, प्रूव दैट टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन। देखिए एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दैट इज एम सी स्क्वायर और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है एच अपॉन एम वी, तो मास ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा एच क्या आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा यहां से एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा वी। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गई आपके पास दैट इज एच सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा वी। सिमिलरली एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच सी बाय लैम्डा, ये इक्वेशन नंबर वन है। दिस इज द एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर टू, डिवाइड कर दें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा वी, एच सी बाय
लैम्डा, लैम्डा लैम्डा दोनों का सेम है, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी बाई वी, एस सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज ग्रेटर देन वी, दिस इंप्लाइज दैट टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर? नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियाई, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज द न्यूक्लियस. व्हाट इज दिस न्यूक्लियस? क्या होता है? इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एवरी एटम. क्या होता है न्यूक्लियस? सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम. हु डिस्कवर्ड इट? इट इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. कहां से डिस्कवर्ड हुआ था? बाय, जैसे मैंने आपको करवाया था, बाय अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट. इट इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन इट्स अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस साइज? दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-15 मीटर. एज द साइज ऑफ एटम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम. साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी. साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, वेयर एज साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस इज 1 फर्मी. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. क्या होते हैं इसके अंदर? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को टुगेदरली हम क्या कॉल करते हैं? न्यूक्लियन. व्हाट दे आर कॉल्ड? न्यूक्लियंस. किसी भी न्यूक्लियन को हम किसके साथ कैसे डिनोट करते हैं? एनी न्यूक्लियन इज डिनोटेड बाय जेड एक्स ए. एनी न्यूक्लियन इज डिनोटेड बाय दिस जेड एक्स ए. जेड क्या होता है वहां पे? एटॉमिक नंबर. ए क्या होता है आपके पास? मास नंबर. एनी न्यूक्लियन इज डिनोटेड बाय दिस जेड एक्स ई. एक्स इज एनी न्यूक्लियन, जेड इज हियर इट्स एटॉमिक नंबर. जेड क्या है इसका? न्यूक्लियन का एटॉमिक नंबर है. ए क्या है इसका? मास नंबर. न्यूट्रल न्यूक्लियाई है. एटॉमिक नंबर मींस जितने इसके पास प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. एटॉमिक नंबर मींस उस न्यूक्लियन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. दिस गिव दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर वो एटम क्या है? न्यूट्रल है. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ए माइनस जेड, ए माइनस जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? उस न्यूक्लियाई में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. ए माइनस जेड गिव दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. उस न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? किसी भी न्यूक्लियस का जो मास है, एटॉमिक मास ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ EMU, एटॉमिक मास यूनिट. यू के साथ उसे डिनोट करते हैं. व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? कहते हैं 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम. 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड EMU. एंड 1 AMU जिसे U के साथ नोट कर रहे हैं, 1 AMU दिस इज इक्वल टू क्या होता है? 1.66 × 10⁻²⁷ kgf. 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁷ kg. जैसे आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन है, कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन? 1.6726 × 10⁻²⁷
माइनस 27 केजी और दैट इज इक्वल टू 1.00727 यू. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6749 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 केजी एंड दैट इज इक्वल टू 1.00866 एएमयू. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 केजी दैट इज इक्वल टू 0.00055 AMU. क्लियर? तो याद रखना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 केजी है. मोस्टली मासेज ऑफ प्रोटोन न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटोन न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एएमयू, एएमयू की टर्म में एक्सप्रेस किया होता है. तो इस तरह से मास ऑफ प्रोटोन जो होता है दैट इज 1.00727 एएमयू है. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00866 एएमयू है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 0.00055 AMU है. क्लियर? नाउ कभी भी क्या है, आप 1 AMU मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो. व्हेन 1 AMU मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी तो कितनी आपके पास एनर्जी ऑब्टेन होती है. 1 AMU मास से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर हियर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 AMU मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी ऑब्टेन होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये कहां से आया? दिस कम्स फ्रॉम द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप. व्हाट इज द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप? इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर वेयर डेल्टा एम इज द मास विच इज कन्वर्टेड इन टू एनर्जी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. अगर आप यहां पे डेल्टा एम की वैल्यू क्या लोगे, 1 AMU, सी क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होल स्क्वायर. एज इट कम्स इन जूल्स व्हेन यू विल कन्वर्ट इट इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू विल डिवाइड इट बाय 1.6 × 10⁻¹³ से डिवाइड कर दोगे. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻³¹ जूल के बराबर होता है. तो अगर इसे सॉल्व करोगे एएमयू की वैल्यू क्या रखोगे, 1.66 × 10⁻²⁷ केजी. तो यहां से इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 931 MeV. सो 1 एएमयू मास व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी तो क्या होता है आपके पास, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑब्टेन होती है. देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं. कुछ न्यूक्लियाई को हम आइसोटॉप्स कहते हैं, जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो डिफरेंट मास नंबर हो उनको आइसोटॉप्स कहते हैं. जिनके सेम मास नंबर हो डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो उनको आइसोबार कहते हैं. और जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो उनको क्या कहते हैं, आइसोटोन कॉल करते हैं. रिमेंबर किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एनी न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ एनी न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके मास नंबर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर. सपोज आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस देन इट्स वॉल्यूम इज 4/3 πr³. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर ए. और आर क्या है, दैट इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज पावर 1/3. दिस इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. हियर आर नॉट इज नोन एज न्यूक्लियर यूनिट रेडियस.
आर नॉट क्या है आपके पास, न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है नियरली, दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, दैट इज 1.2 फर्मी। कितना साइज होता है इसका, दैट इज 1. आर नॉट की जो वैल्यू है कितनी है, 1.2 फर्मी। फर्मी मीन्स दैट इज 10^-15 meters। क्लियर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये देखिए यहां पे एक चीज और है कि ये जो न्यूक्लियस का रेडियस है इट इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स मास नंबर, मास नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितना मास नंबर ज्यादा होगा उतना ही आपके पास साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, ज्यादा होगा। कारण उसका क्या है कि जितना मास नंबर ज्यादा है उतने ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियन ज्यादा हो जाएंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाएंगे उतना उसका साइज बढ़ जाएगा। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या आएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम प्रोटोन ले लें, एक प्रोटोन का मास कितना है, एमपी है, किसी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटोन होंगे, जितना उसका आपके पास उसमें जो प्रोटॉन्स का टोटल मास कितना आ जाएगा, जो उसका मास नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास, दैट विल बी द टोटल मास ऑफ दैट न्यूक्लियस होगा। एंड व्हाट्स अबाउट इट्स वॉल्यूम, दैट विल बी 4/3 πr³। आर क्यूब की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर क्यूब, दैट इज आर नॉट ए रेस पावर 4/3 πr³। ये आ जाएगी आर क्यूब, आर नॉट ए रेस पावर 1/3 r³। ये आ जाएगा, ए कैंसल आउट हो जाएगा, आर नॉट की वैल्यू पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, यहां से आप इसे कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या आती है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^3 × 10^17 kg/m³। वेरी डेंस न्यूक्लियस होता है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लार्ज। दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। जो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं उनकी डेंसिटीज की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है नीट एग्जामिनेशन में, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। कैलकुलेट दी, कहता है कैलकुलेट दी रेशियो द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ जर्मेनियम एंड कार्बन, कार्बन और जर्मेनियम के न्यूक्लियाई की डेंसिटी की रेशियो कैलकुलेट करो। तो उस केस में यू विल सी कि रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी क्या होगी, 1:1 होगी। जैसे अभी बताया कि डेंसिटी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है। क्वेश्चन कैन बी आस्क कि कैलकुलेट दी मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस हुज रेडियस इज हाफ ऑफ जर्मेनियम। आप ऐसे न्यूक्लियर का मास नंबर कैलकुलेट करो जिसका रेडियस जर्मेनियम के रेडियस से क्या हो, हाफ हो। जर्मेनियम के रेडियस से क्या हो, हाफ हो। तो हम क्या ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, R1/R2 यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू A1/A2 रेज पावर 1/3। क्लियर। तो R1/R2 क्या है, R1/R2 दैट इज गिवन, हाफ दिया हुआ है, A1 आपने कैलकुलेट करना है, और A2 क्या है, रेडियस ऑफ A2 क्या है, मास नंबर ऑफ जर्मेनियम दैट इज गिवन, सॉरी दैट इज गिवन 72। कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो A2 की वैल्यू क्या रख दोगे, 72 रख दोगे, ये क्या आएगी 1/2। तो यहां से A1 आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपके पास नियरली A1 मीन्स मास ऑफ दैट, मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। एक तो बड़ा क्लियर हो गया कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या है, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, इट इज फिक्स है, एंड इट इज ए वेरी हैवी डेंसिटी का न्यूक्लियस होता है, दैट इज 3×10^17 kg/m³ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एग्जिस्टिंग
इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंट फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं. अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, सबके मास भी हैं, चार्ज भी है, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज भी है. तो एक तो बड़ा क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्गर है तो वो तो आपको ऑब्जर्व नहीं होगी. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है जिन्हें हम क्या कॉल करते हैं, विच आर नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस. ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स. एंड व्हाट इज दैट न्यूक्लियर फोर्स, क्या क्या है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यूनिवर्स में. न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गर फोर्स इन द न्यूक्लियस एंड इट इज एग्जिस्टिंग ओनली इन बिटवीन द न्यूक्लियंस. ये सिर्फ कहां पे एग्जिस्ट करती हैं, न्यूक्लियंस के बीच में ही एग्जिस्ट करती हैं. और ये जो फोर्स हैं बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर एक्ट करती हैं. दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस एग्जिस्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ रफली 3 to 4 फर्मी के डिस्टेंस के ऊपर ही एग्जिस्ट करती हैं. और जब न्यूक्लियंस के बीच में डिस्टेंस लेसर देन 0.8 फर्मी होता है तब जो फोर्सेज होती हैं रिपल्सिव नेचर की होती हैं. और जब डिस्टेंस क्या है 0.8 फर्मी से ज़्यादा होता है तब ये रिपल अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियन इज ग्रेटर देन 0.8 फर्मी फोर्स क्या होती है अट्रैक्टिव नेचर की होती है. और जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम है तब ये फोर्स क्या होती है रिपल्सिव नेचर की होती है. क्लियर. दीज फोर्सेस जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती हैं. दे कैन एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, दे कैन एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन, दे आर एग्जिस्टिंग बिटवीन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन. सो दीज फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज. दीज फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट. इट इज स्ट्रोंगर बिटवीन द न्यूक्लियंस हैविंग द सेम सेंस ऑफ स्पिन देन द बिटवीन द न्यूक्लियंस हैविंग द अपोजिट स्पिन. जिन न्यूक्लियंस की स्पिन सेम है उनकी फोर्स स्ट्रोंग होती है, जिनकी स्पिन अपोजिट है उन न्यूक्लियंस की फोर्स कम होती है. दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज होती हैं. दे आर नॉट एग्जिस्टिंग अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियंस. और दीज न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉट ओबिंग द इनवर्स स्केला. इनवर्स स्केला को भी ये ओबे नहीं करती. क्लियर. दिस इज वन टर्म. व्हाट इज दैट, दैट इज ए मास डिफेक्ट. व्हाट इज दिस मास डिफेक्ट, एक्चुअली क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, जितने आपके पास न्यूट्रॉन्स के मासेज हैं उसके अंदर, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं उनके मासेज हैं, मास सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वही क्या होता है, दैट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस होता है. सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस. क्लियर. वही क्या होना चाहिए, मास ऑफ द न्यूक्लियस होना. बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. जैसे आपके पास ये कोई न्यूक्लियस है जेड एक्स ई, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ए माइनस जेड क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड है. दीज आर दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. क्लियर. एक न्यूट्रॉन का मास अगर mn है, एक प्रोटॉन का मास कितना है एम्पियर, तो मास ऑफ दिस एक्चुअली मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, एक्चुअल मास क्या होना चाहिए, ए माइनस जेड इंटू एम एन प्लस जेड इंटू एम पी, ये एक्चुअल मास होना चाहिए. बट एक्चुअली मास क्या है न्यूक्लियस का, इससे क्या होता है कम होता है, इससे क्या होता है कम होता है. तो मीन्स ए माइनस जेड प्लस जेड इंटू एम पी माइनस मास ऑफ दिस जेड एक्स ए, ये वाला जो मास है
इस मास से क्या होता है, कम होता है। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। व्हाट इट इज कॉल्ड, मास डिफेक्ट, डेल्टा एम के साथ नोट करते हैं। जो इसके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनका सबका मास और एक्चुअल मास होता न्यूक्लियस के में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। डेल्टा एम के साथ इसको हम डिनोट करते हैं। और ये एक्चुअली होता क्या, ये मास चला कहां जाता है, दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। किसमें चला जाता है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एनर्जी करती क्या है, वो एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर जो डिफरेंट प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, उनको बाइंड करने के लिए यूज हो जाती है। दैट इज यूज इन टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर, जिसे कि हम क्या कॉल करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी कॉल कर देते हैं। सो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और जो मास डिफेक्ट है, पॉजिटिव मास नंबर, इसे हम क्या कॉल करते हैं, दिस इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। दिस मास डिफेक्ट, पॉजिटिव मास नंबर इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर? तो एक मैं इसके ऊपर छोटा सा एक आपको मैं क्या कहता हूं, कहता है कैलकुलेट द ऑप्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, ऑप्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, इस 7-14N न्यूक्लियस है, इसकी हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। दिया क्या हुआ है आपके पास, मास ऑफ दिस न्यूक्लियस इज गिवन, इस न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन 14.00307U। क्लियर? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ईच प्रोटॉन क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन 1.00783U, 1.00783U। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन, दैट इज 1.00867U। मास ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन, मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स बाइंडिंग एनर्जी। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे कितने, ए माइनस जेड क्या होगा, 7। Mn आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, Z कितना है, 7। मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन 1.00783U। ये M कितना दिया हुआ, दैट इज 14. दिस इज गिवन 14.003072। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे एट दिस गिवन इन U, तो यहां से जो आपके पास एनर्जी, दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो आप इसको, ये जो मास आएगा, इस सारे जो डेल्टा एम आएगा, ये मास डिफेक्ट आ जाएगा, इस सारे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इट कम्स 10467 MeV आ जाएगी। अगर हम इसको 14 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, कल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको सारा अच्छी तरह आपने पढ़कर आना है।